कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पंच बाल्यती दिगंबर जैन समिति नीलबड़ भोपाल। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, मैं शिवानी और आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज व परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल के नेहरू नगर स्थित श्री 1008 पंच बाल्यती दिगंबर जैन मंदिर नीलबड़ में श्री 1008 श्री मजिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्याति भव्य आयोजन किया गया। 21 से 26 जनवरी 2024 तक आयोजित हुए इस महोत्सव में चौथे दिन अर्थात 24 जनवरी को जिनेन्द्र भक्तों ने प्रभु के तप कल्याणक की क्रियाओं में सम्मिलित होकर धर्मलाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए आनंद लेते हैं इस महोत्सव के मंगल दृश्यों का। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल के नेहरू नगर स्थित श्री 1008 पंच बाल्यती दिगंबर जैन मंदिर नीलबड़ में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज व परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 21 से 26 जनवरी 2024 के मध्य आयोजित हुए इस महोत्सव के चौथे दिन अर्थात 24 जनवरी की मांगलिक गतिविधियों का शुभारंभ श्रद्धालुओं ने प्रभु का मंगल अभिषेक करने के साथ किया। बम बम हमें सम सम तम तम पम पम चम चम झीम झीम छीम छीम द्राम द्रा द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र तर जल नविषेकम् करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। अब बाकी के ओम रीम से विश्वादि वीरांतन जले निस्नाप्यामः। अभिषेक के पश्चात श्रावकों ने मंगल कलशों के प्राशुक जल से श्री जी की शांति धारा कर प्रभु की आरती की। श्री बीतरागाय नमः नमो अरिहंताडम नमो सिद्धाडम नमो आयरियाडम नमो वज्जाडम नमो लोय सभ्यसाहुडम चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तिमा अरिहंता लोगोत्तिमा सिद्धा लोगोत्तिमा साहू लोगोत्तिमा केवली प्रत्तो धम्मो लोगोत्तिमो चत्तारी शरणं पवज्यामि अरहंते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहू शरणं पवज्यामि केवली प्रत्तम धम्मम शरणं पवज्यामि। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु के भजन पाठ के मध्य संगीतमय वातावरण में अर्घ्य समर्पित कर मंगल भावना भाई। मन वांछित हर काम बनावे वांछित हर काम बनावे सुखी रहे परिवार। ओम नमो अरहते स्वाहा पुष्पांजलिम छिपे आओ बसाले मन मंदिर में प्रतिमा श्री भगवान की तो सस्ती सती श्री अर्णता श्री मल्ली सस्ती यहाँ पे आके पूजा रचा के यहाँ पे आके संसारता विनाश नहीं चंदनम नृपामिति स्वाहा। पिताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सबसे दिनों निद रेत मंगल पाए शिविका। अर्घ्य समर्पण के पश्चात श्रद्धालुओं ने स्वर लहरियों पर झूमते थिरकते प्रभु भक्ति का आनंद लिया। इसी दौरान विधान पर श्रीफल व अर्घ्य अर्पित किए गए। इस बीच कार्यक्रम स्थल पर पूज्य गुरुवर के आगमन पर भक्तों ने उनके समक्ष अर्घ्य समर्पित की। सर्वे साधु जिन धर्म जिनागम जिन चेत चेतल अर्घ्य पद प्राप्त पूर्ण अर्घ्यम निरूपामिति। ओम श्री चंद्र कलर प्राशी विश्वाधि महावीर परे चंद्र में सद की तक्रह अत्रियो तरियो कर शंभो शरिया भाविना। ओम श्री चंद्र कलर प्राशी विश्वाधि महावीर परे चंद्र में सद की तक्रह अत्र देश देश ठाठा स्थापिना। जय हो जय हो।
त्रिभो अष्टाधिक सहस्रनामिभ्यो श्री विश्वादि चतुर्विंशति कीटकृभ्यो जलादि महारघुन रूपामिति। अगली कड़ी में विशिष्ट जन ने पूज्य गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। तदोपरांत पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट किए। अगले क्रम में शावक शाविकाओं ने हवन में आहुतियां देते हुए विश्व शांति की मंगल कामना की। तत्पश्चात श्रद्धालुओं को परम पूज्य मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का स्वअवसर प्राप्त हुआ। सेवा फलम झटपरम स्थानम भवतु सर्वत्र विनाशम भवतु समाधि मरणम भवतु सर्व शांतिम कुरु कुरु परमस्य औसनम सर्व शांतिम कुरु कुरु परमस्य औसनम सर्व शांतिम कुरु कुरु परमस्य औसनम। आज व्यक्ति अपने घर के आगे आम का वृक्ष तो चाहता है, पर उसने जीवन में कभी आज तक आम के बीज को बोने का प्रयास नहीं किया। बबूल का बीज बोते हुए किसी भी प्रकार से आम का वृक्ष उत्पन्न हो ही नहीं सकता। बीज अगर बबूल का बोया है तो वृक्ष भी बबूल का ही मिलेगा, और आम का वृक्ष चाहते हो तो बीज भी आम का ही बोना होगा। ये गहरा रहस्य जीव भले ही व्यवहारिक जीवन में व्यवहारिक कार्यों में फिर भी समझ जाता है, पर स्वयं के जीवन के साथ उसने इस रहस्य को आज तक समझने का और अनुभूत करने का प्रयास ही नहीं किया। और इसी कारण से वह पुनः 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 इस संसार में अनंत दुखों को प्राप्त कर रहा है। मंगल प्रवचन के बाद महोत्सव में अब समय था प्रभु के तप कल्याणक के अंतर्गत युवराज आदि कुमार के विवाह का, जिसके अंतर्गत श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य के निर्देशन में विवाह की मांगलिक क्रियाएं कर धूमधाम से आदि कुमार की बारात निकाल कर उनका विवाह कराया। विवाह के उपरांत आदि कुमार की बारात जब वापस अयोध्या नगरी पधारी तो द्वार पर खड़े समस्त नगरवासियों ने मंगल गीत गाते हुए उसकी अगुवानी की। कार्यक्रम में अब महाराज नाभिराई के दरबार में सौधर्मेंद्र शचीन्द्राणी के साथ पधारने पर महाराज उन्हें युवराज को राजपाट सौंपने के बारे में बताते हैं और साथ ही राजपुरोहित को बुलाकर उनका सम्मान करते हैं। हे महाराज, प्रजापालन में वह समर्थ हैं, राज्य के सभी कार्यों में वह दक्ष हैं, आपका न्याय सर्वोत्तम है, आपकी जय हो। हमारे पंचांग में जो कुछ उत्तमोत्तम मुहूर्त निकलेगा उस मुहूर्त में राज्याभिषेक होगा। हे महाराज, आज का वो दिन पावन पुनीत दिन है, आज चतुर्दशी बुधवार, मकर राशि का सूर्य, कर्क राशि का चंद्र प्रीति योग में अगर हम आदिनाथ का राज तिलक करते हैं तो निश्चित रूप से राज्य का कुशल संचालन होगा।
क्रमानुसार महाराज नाभिराई की आज्ञा लेकर सौधर्मेंद्र देवियों द्वारा क्षीरसागर से लाए जल से युवराज का राज्याभिषेक करते हैं और फिर स्वर्ग से प्रकटित वस्त्र और आभूषण धारण करवा कर उनका राज तिलक करते हैं। अगली कड़ी में विभिन्न राज्य के राजा महाराजा व महारानी आते हैं और उन्हें भेंट देकर उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं। तदुपरांत राजाओं को राज्य के अलग अलग पदों पर नियुक्त किया जाता है और राजा हरिकांत को हरिवंश का अधिपति नियुक्त करते हैं। आपको मंडलेश्वर राजा महामंडलेश्वर राजा नियुक्त करते हैं। राजा सोम प्रभु को कुरुवंश का अधिपति नियुक्त करते हैं। आपको भी महामंडलेश्वर राजा नियुक्त करते हैं। राजा कश्यप आपको उग्रवंश का अधिपति नियुक्त करते हैं और महामंडलेश्वर पदवी से युक्त करते हैं। राजा अकंपन आपको नाथ वंश का अधिपति नियुक्त करते हैं और महामंडलेश्वर पद पे आपको भी नियुक्त करते हैं। अगली कड़ी में महाराज ने अपनी पुत्रियों ब्राह्मी और सुंदरी को अंक विद्या की शिक्षाएं प्रदान की। तदुपरांत कल्प वृक्षों के समाप्त होने पर महाराज ने प्रजाजनों को असीम असी कृषि आदि षटकर्मों का ज्ञान देकर उन्हें भरण पोषण हेतु आत्मनिर्भर बनाया। ये इक्षु दंड है। भाग रे भैया भाग, महाराज कह रहे ये बिच्छू डंक है। इतने बड़े बड़े बिच्छू नहीं है, बच गया रे। सुनो, बिच्छू नहीं है, ये इक्षु दंड है। ओ इच्छु दंड, हम समझे बिच्छू डंक। एक तो घरवाली की कटर 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 सुन के आवाज भी कानों में सही नहीं आती, बिच्छू डंक सुनाई पड़ गया महाराज। सुनो, इसको इच्छु दंड बोलते तो हैं तो डंडे ही महाराज। सुनो सुनो सुनो, इनमें सुंदर सुमधुर मीठा रस होता है और इस रस को जब तुम निकालोगे तो इससे गुणकारी गुड़ बनता है और उस गुड़ से नाना प्रकार की सुंदर सुंदर मिठाइयाँ बनती हैं और नाना प्रकार के व्यंजन बनते हैं। उससे बहुत मधुर रस होता है, उसको इच्छु रस बोलते हैं। अगले क्रम में सौधर्मेंद्र द्वारा भेजी गई नीलांजना की नृत्य के दौरान हुई मृत्यु को देख महाराज के हृदय में वैराग्य जागृत हो उठा। तभी आकाश मार्ग से आए लोकांतिक देवों ने भी उनके वैराग्य की अनुमोदना की। एक साथ भी सभी लोकांतिक देव आते हैं और भगवान के वैराग्य के अनुमोदना करते हैं। जो वैराग्य के अंकुर स्फुटित हुए, वह पारिवारिक मोह में वह अंकुर वैराग्य के मर ना जाएं और दृढ़ता प्रदान कराने स्वयं का कल्याण करने वह लोकांतिक देव अपने वक्तव्य से महाराज को और उद्बोधन देते। हे महाभाग्य, आपने संसार शरीर भोगों से विरक्त होने का विचार किया, यह सर्वोत्तम है, आपकी जय हो। हे त्रिलोकनाथ भगवान, संसार के समस्त पदार्थ अनित्य हैं, इनको त्याग करना ही सर्वोत्कृष्ट होगा। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद राजपाट छोड़ महाराज आदिनाथ वन में जाने का निर्णय कर लेते हैं। माता पिता एवं अन्य परिजन के रोकने पर भी वो अपने निर्णय पर अटल रहते हैं और पालकी में विराजमान होकर चल देते हैं। मेरी लाली नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ, मेरी लाली नहीं जाओ। क्रमानुसार अब वन पहुंचने पर पूज्य गुरुवर ने महाराज आदिनाथ में मूल गुड़ संस्कारों को रोपित किए। इसी दौरान प्रभु की अन्य प्रतिमाओं पर भी संस्कार रोपित किए गए। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है,
ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को, धर्म समर्पित किया लाल को, धन्य हुआ परिवार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। महामुनिराज के दीक्षा संस्कारों के बाद भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव के साथ मंगल दीपों से त्रिलोकीनाथ भगवान की मंगल आरती की। जो भी तुम्हारी आरती गावे, भव से वो उतर जाता। आरती के पश्चात कलाकारों द्वारा भरत बाहुबली के दृष्टांत पर लघु नाट्य का मंचन किया गया, जिसके बाद शाविकाओं ने मंगलाचरण प्रस्तुत कर कार्यक्रम में भक्ति रस घोल दिया। नहीं बचेगा। जाओ सुदर्शन चक्र, मेरे बैरी का अंत कर दो, जाओ। अरे, कार्यक्रम की समापन बेला पर कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नाट्य ने उपस्थित गणों को मंत्र मुग्ध कर दिया। तो बनवासी पुत्र जगह जगह भ्रमण करते हुए हमारी इस राजधानी में पधारे हुए हैं। वे भगवान की भक्ति से लोगों को भाव विभोर कर देते हैं। सभी को कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की कहानियां सुनाते हैं। मधुर कंठ से जब वे गाते हैं तो चलते राही ठिठक कर खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, आर्थिक तंगी के कारण अब मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। परिवार के भरण पोषण के लिए छोटे मोटे व्यापार से ही काम चल जाएगा। जो हमारे पास थोड़ी सी पूंजी है उससे नमक गुड़ आदि खरीद कर पर्वत पर दूसरी तरफ बसे गांव में बेच दूंगा, जिससे अच्छा मुनाफा मिलेगा। सुनिए ना, मुझे ज्यादा पैसे का लोभ नहीं है। दिन भर की मेहनत से आप जो भी पैसे लाएंगे उसी से हम परिवार को खुश रखेंगे। दर्शकों, अभी आपने मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल के नेहरू नगर स्थित श्री 1008 पंच बाल्यथी दिगंबर जैन मंदिर नीलबड़ में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज व परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रप सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए। श्री 1008 श्री मजिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अनुपम दृश्यों का अवलोकन किया। 21 से 26 जनवरी 2024 के मध्य आयोजित हुए इस महामहोत्सव में श्रद्धालुओं ने तप कल्याणक की गतिविधियों में सहभागिता कर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। फिर भेंट होगी आपसे इसी महोत्सव की अग्रिम कड़ी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पंच बाल्यती दिगंबर जैन समिति नीलबड़ भोपाल